देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। लखीसराय जिला से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। इटौन पंचायत के स्वच्छता कर्मी संघ उनके टीम को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत शुक्रवार 9 अगस्त 2022 को इटौन पंचायत के स्वच्छता कर्मी संघ उनके टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह संघ स्वच्छता ब्लॉक कोऑर्डिनेटर स्मिता कुमारी संघ मुखिया वीना देवी आदि अधिकारियों ने की। वही पंचायत के कुल 12 वार्ड मेंबर संघ कुल 24 स्वच्छता कर्मी संघ 2 चालक मौजूद रहे। स्वच्छता कर्मी के वार्ड 5 के अनूप मांझी और वार्ड 3 के पतलू पासवान ड्राइव में वार्ड 10 के रजनीश कुमार और वार्ड 4 के राजनाथ कुमार पटेल स्वच्छता पर्यवेक्षक में वार्ड 3 के राहुल कुमार संघ स्वच्छता कर्मी में वार्ड 1 से उदय यादव और शत्रुघ्न महतो वार्ड 2 से अर्जुन कुमार और ऋतु देवी वार्ड 3 से बीरवल कुमार और सुमित्रा देवी वार्ड 4 से पंकज कुमार और प्रमिला देवी वार्ड 5 से दिनेश मांझी और सुनीता देवी वार्ड 6 से अयोध्या चौधरी और शर्मिला देवी वार्ड 7 से नीरज मांझी और मूटरी देवी वार्ड 8 से कारू मलिक और लुखिया देवी वार्ड 9 से ललन डोम और बिरजू मलिक वार्ड 10 से सोना देवी अमित यादव वार्ड 11 से उर्मिला देवी और राजकुमार यादव वार्ड 12 से पिंटू साव और रीता देवी वार्ड 13 से मनोज सिंह और ऋतु राजकुमार शामिल हुए। सर आज इटौन पंचायत में एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई, योजना कौन सी है और उसमें क्या क्या काम लोगों को मिल पाया है? ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट कार्यक्रम के अंतर्गत ये योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें मुख्य रूप से काम है कि गली नाली की सफाई, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको डस्टबिन में रख करके फिर वहाँ से रिक्शा ठेला के माध्यम से कचरा संग्रहण केंद्र पर ले जाना है। वहाँ सेपरेशन का काम होगा, सेग्रेशन का काम होगा। जो पदार्थ से कोई ठोस चीज बनना है, शीशा बनना है या बोतल बनना है या और बाल्टीए बनना है उसे बनेगा, और जो कचरा जो अपशिष्ट ठोस रह जाएगा उसको एक जगह उसको सरा करके उसको खाद के रूप में परिणत किया जाएगा, और जो वाटर होगा उसको सिंचाई के रूप में यह किया जाएगा। सर आपका शुभ नाम? विनोद कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी चल। मैडम मैं सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा, स्मिता कुमार, और आज का जो कार्यक्रम हुआ या फिर जो प्रोग्राम रखा गया उसमें आप क्या हैं? ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज का प्रोग्राम था और इसमें हम प्रखंड समन्वयक के तौर पे काम कर रहे हैं। मैडम मैं ये जानना चाहूँगा जो भी सफाई कर्मी इनमें बहाल हुए हैं उनकी सैलरी क्या है, उनको किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा, इनका पेमेंट कौन करेंगे, और समय रहकर अगर ये लोग काम करते हैं तो क्या उन लोगों को आगे चल करके कोई प्राथमिकता भी मिलेगी क्या? आगे का तो अभी नहीं बताया जा सकता है क्योंकि ये काम जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहली बार हर एक ग्राम पंचायतों में शुरू हुआ है। फिलहाल हम लोग का जो है 5 इयर्स प्लान है, 5 इयर्स प्लान में 1 साल का प्लान जो किया गया है, इन लोग का सैलरी जो कर्मी है हर एक वार्ड वाइज उन लोग को 3,000 रुपया मासिक मानदेय है, और जो स्वच्छता पर्यवेक्षक है पहले 3 महीने उनको 5,000 रुपया मिलेगा और फिर 3 महीने के बाद इनके काम के आधार पर उनको 7,500 रुपया ये लोग ग्राम सभा वार्ड सभा जो करेंगे उस आधार पर मिलेगा। और इसमें ई रिक्शा के लिए 2 ड्राइवर रखा गया है जिनको 3,500 रुपया मिलेगा, वो भी मंथली है। और आगे क्या होगा ये हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि गाइडलाइन में वैसा कुछ नहीं अभी बताया। मैडम थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि क्या किसी महीने ऐसी भी होगी कि इन लोगों की सैलरी रुक जाएगी? किसी महीने क्यों रुकेगी, अगर काम हो रहा है और एक साल का सैलरी इन लोग को ऑलरेडी DPR के माध्यम से पंचायत के खाते में आ चुका है जिसमें पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव का ज्वाइंट साइन है, इन लोग को कार्ड के आधार पे पैसा मिलते रहेगा, यानी इन लोगों के कामों में कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी। जी मुखिया जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज आपके पंचायत में जो कार्यक्रम किया गया इनमें सारे तमाम अधिकारी लोग भी आए हैं और पंचायत की जनता भी है, तो आप ये हमें बता दें कि ये काम क्या चीज़ का था और इससे यहाँ के लोग कितने खुशहाल होंगे? सर प्रथम तो मैं उमेश पासवान मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राजौन, आज सारे लोग अधिकारी पहुँचे हैं और हमारी जनता भी पहुँचे हैं, मैं बहुत बहुत
मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी मैडम ने बताया कि किसी भी कर्मी का जो सफाई कर्मी इनमें शामिल हुए हैं उनका किसी भी तरीके से कोई भी पेमेंट नहीं रुकेगा, तो क्या आपके तरफ से लगता है कि साल भर की जो राशि उन लोगों की आ गई है हर एक माह उन लोगों को मिलता रहेगा उनके काम के अनुरूप? हाँ, जो कार्य करेंगे उनका जो मान लिया कर्म विधि है जो सर बता के आगे गए हैं सबको पैसा पेमेंट होते जाएगा। मैडम मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, जरा सा जोर से बोलिएगा, और इस पंचायत में आप क्या हैं? आज आपके पंचायत में लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत तमाम कर्मचारियों को हरी झंडी दिखाकर आगे काम के लिए रवाना किया गया, कैसा फील कर रहे हैं आप? आप एक पंचायत का प्रतिनिधि हैं, लोगों का समस्या सुनना और उनके कामों को आगे बढ़ाना आपका काम होता है, तो ऐसे में जनता अब तक आप पर कितना भरोसा कर रही है? जरा सा जोर से। तो लोगों का आप धन्यवाद देना पसंद करेंगे?